हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारा चैनल सबको शिक्षा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डाटा साइंस इंजीनियरिंग के डाटा एनालिसिस विद पाइथन में पांडास 2 यानी कि पांडा के पार्ट को फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये सेकंड क्विज है, तो इस क्विज में होने वाले 10 क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है, कॉन्डल एपीआई फॉर पाइथन रैप्स द ब्लैंक रेस्ट एपीआई टू रिटर्न पांडास डाटा फ्रेम्स विथ टाइम सीरीज इंडेक्सेस। तो इनमें से कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए कॉन्डल, ऑप्शन बी पाई डाटा स्ट्रीम, ऑप्शन सी पाई डाटा, ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूँ, कॉन्डल एपीआई फॉर पाइथन रैप्स द ब्लैंक रेस्ट एपीआई टू रिटर्न पांडास डाटा फ्रेम्स विद द टाइम सीरीज इंडेक्सेस। जो कॉन्डल के एपीआई होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, पाइथन के रैप्स क्या रैप्स करते हैं? तो रेस्ट एपीआई बाकी के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू रिटर्न पांडास डाटा फ्रेम्स। क्या रिटर्न करने के लिए? तो पांडास डाटा फ्रेम्स विद द टाइम सीरीज इंडेक्सेस। तो कौन क्या रेस्ट एपीआई रिटर्न करता है, क्या रैप्स करता है? तो ऑप्शन ए है कॉन्डल, ऑप्शन बी है पी वाई डाटा स्ट्रीम, ऑप्शन सी है पी वाई डाटा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो उसका सही आंसर और सीधा साधा आंसर है कॉन्डल। पी वाई डाटा स्ट्रीम इज ए पाइथन इंटरफेस टू थॉमसन डाटा वर्क इंटरप्राइज DWE डाटा स्ट्रीम। सोप एपीआई, सोप एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस टू रिटर्न इंडेक्सड पांडास डाटा फ्रेम्स और पैनल्स विद द फाइनेंशियल डाटा। तो पी वाई डाटा स्ट्रीम और पी वाई डाटा के क्या रैप्स करता है, ये हमें इस नीचे हमें बताया है। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें नीचे दिए गए में से स्टेटमेंट से करेक्ट स्टेटमेंट पॉइंट आउट करना है। ऑप्शन ए स्टैट्स मॉडल्स प्रोवाइड्स पावरफुल स्टैटिस्टिक्स इकोनोमेट्रिक्स एनालिसिस एंड मॉडलिंग फंक्शनैलिटी दैट इज आउट ऑफ पांडा स्कोप। ऑप्शन बी विंटेज लिवरेजेस पांडास ऑब्जेक्ट्स एज द अंडरलाइंग डाटा कंटेनर फॉर कॉम्पिटिशन। ऑप्शन सी बोके इज ए पाइथन इंटरएक्टिव विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी फॉर स्मॉल डाटा सेट्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, स्टैट्स मॉडल प्रोवाइड्स पावरफुल स्टैटिस्टिक इकोनोमेट्रिक्स एनालिसिस एंड मॉडलिंग फंक्शनैलिटी दैट इज आउट ऑफ पांडास स्कोप। तो ये सही। और बोके गोल इज ए प्रोवाइड एलिगेंट कॉन्साइज कंस्ट्रक्शन ऑफ नोवेल ग्राफिक्स इन द स्टाइल ऑफ D3। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी इज यूज टू रिट्रीव एंड एक्वायर स्टैटिस्टिकल डाटा एंड मेटा डाटा डिसमिनेटेड इन SDMX 2.1। नीचे दिए गए में से लाइब्रेरी में से कौन सी लाइब्रेरी यूज होती है टू रिट्रीव एंड एक्वायर स्टैटिस्टिकल डाटा एंड मेटा डाटा डिसमिनेटेड इन SDMX 2.1। तो ऑप्शन ए है पांडा SDMX, ऑप्शन बी फ्री DAPI, ऑप्शन सी जियो पांडा एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका सही आंसर है ए पांडा SDMX। जियो पांडास एक्सटेंड्स पांडास डाटा ऑब्जेक्ट्स टू इंक्लूड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन विच सपोर्ट्स जियोमेट्रिक ऑपरेशंस। तो जियो पांडास एक्सटेंड पांडास डाटा ऑब्जेक्ट्स है टू इंक्लूड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, जो ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है जो जियोमेट्रिक ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर डूइंग कंप्यूटेशंस विद मोंगो डीबी। नीचे दिए गए में से कौन प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड एपीआई फॉर डूइंग कंप्यूटेशंस विद मोंगो डीबी। तो ऑप्शन है ब्लेज, जियो पांडास, फ्रेड और ऑल ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका सही आंसर है ब्लेज। If you work Intel's maps and geographical coordinates and you love pandas, you should take a close look at GeoPandas. Question number 5, point out the wrong statement. QGrid is an interactive grid for sorting and filtering data frames. QGrid एक interactive grid है जो sorting और filtering data frames के लिए use होता है। Pandas data frames implement lowercase REPR lowercase HTML lowercase methods which are utilized by LPython notebook. Option C है spider is a cross platform Q
क्यूटी बेस्ड ओपन सोर्स RIDE। तो ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन। तो नीचे दिए गए में से ऑप्शन से हमें ये चूज़ करना है कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन सी, स्पाइडर इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म क्यूटी बेस्ड ओपन सोर्स RIDE। तो स्पाइडर ये नहीं है, स्पाइडर इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म क्यूटी बेस्ड ओपन सोर्स IDE, नॉट ए पाइथन इज ए नॉट ए RIDE, इट इज़ ए ओपन सोर्स पाइथन IDE। तो स्पाइडर ये क्रॉस प्लेटफॉर्म क्यूटी बेस्ड ओपन सोर्स पाइथन IDE है, नहीं है पाइथन IDE। IDE का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ पांडास एंड रिटर्न्स डाटा इन ए सीरीज ऑफ सीरीज और डाटा फ्रेम। नीचे देखिए में से कौन सा ऐसे यूज़ होता है पांडास एंड रिटर्न्स डाटा, पांडास में यूज ऑफ पांडास जिसमें पांडास का यूज़ होता है, एंड रिटर्न्स डाटा इन ए सीरीज और डाटा फ्रेम, और किस में रिटर्न होता है डाटा, तो सीरीज और डाटा फ्रेम में। तो ऑप्शन ए पांडा एच डी एम एक्स, ऑप्शन बी ए फ्री डी ए पी है, ऑप्शन सी ए आउट पी है, एंड ऑप्शन डी ए नन ऑफ द मेंशन। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्री डी ए पी है। फ्री डी ए पी आई मॉड्यूल रिक्वायर्स अ फ्रेड ए पी आई, फ्रेड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस की दैट यू कैन ऑप्टेन फॉर फ्री ऑन द फ्रेड वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर सेवन, स्पाइडर कैन इंट्रोस्पेक्ट एंड डिस्प्ले पांडास डाटा फ्रेम्स। स्पाइडर कैन इंट्रोस्पेक्ट एंड डिस्प्ले पांडास डाटा फ्रेम्स, तो इस ये सही है या गलत, क्या स्पाइडर इंट्रोस्पेक्ट एंड डिस्प्ले कर सकता है पांडास के डाटा फ्रेम्स को, तो वो है गलत। स्पाइडर शो बोथ कॉलम वाइज मिनिमम स्लैश मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम स्लैश मैक्सिमम कलरिंग। तो इस तरह से स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मशीन लर्निंग इन पाइथन। नीचे दिए गए में से किसका यूज मशीन लर्निंग पाइथन के लिए, पाइथन में मशीन लर्निंग के लिए होता है। ऑप्शन ए सिकिट लर्निंग, ऑप्शन बी सीबॉर्न लर्न, ऑप्शन सी स्टैट्स लर्न, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो उसका सही है आंसर सिकिट लर्न। सिकिट लर्न इज बिल्ट ऑन नम पी वाई, एस सी एस पी वाई, स्काई पी वाई एंड मैट प्लॉट लाइब्रेरी। तो सिकिट लर्न कहाँ पे बिल्ड हुआ है, नम पी वाई, एस सी आई पी वाई एंड मैट प्लॉट लिप में। क्वेश्चन नंबर नाइन, द ब्लैंक प्रोजेक्ट बिल्ड्स ऑन टॉप ऑफ पांडास एंड मैट प्लॉट लिप टू प्रोवाइड इजी प्लॉटिंग ऑफ डाटा। ये प्रोजेक्ट बिल्ट हुआ है किसमें, तो टॉप ऑफ पांडास एंड मैट प्लॉट लाइब्रेरी, इसे मैट प्लॉट लिप भी कहा जाता है, टू प्रोवाइड इजी प्लॉटिंग ऑफ डाटा। तो ये किसमें हुआ है, ऑप्शन ए वाई हैट, ऑप्शन बी सीबॉर्न, ऑप्शन सी विंसेंट एंड ऑप्शन डी नॉन मिशन। इसका सही आंसर है सीबॉर्न। सीबॉर्न हैज ग्रेट सपोर्ट फॉर पांडास डाटा ऑब्जेक्ट्स। सीबॉर्न ग्रेट सपोर्ट्स करता है पांडास के डाटा ऑब्जेक्ट्स को। क्वेश्चन नंबर टेन, एक्सरे ब्रिंग्स द लेबल डाटा पावर ऑफ पांडास टू द फिजिकल साइंस। एक्सरे क्या ब्रिंग्स करता है, तो लेबल डाटा पावर ऑफ पांडास टू द फिजिकल साइंस के लिए। तो ये सही है गलत है, ये सही है। इट एम्स टू प्रोवाइड अ पांडास लाइक एंड पांडास कंपेटिबल टूल किट फॉर एनालिस्टिक्स ऑन मल्टी डायमेंशनल एरेज में। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन क्विज के सॉल्व कर लिए। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा और इम्पोर्टेंट लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए, जब तक मैं नई नई वीडियो नहीं लाता, तब तक आप खुद को मोटिवेटेड रखिए अपनी स्टडी में, और इंस्पायर्ड रखिए, किसी से इंस्पिरेशन लीजिए, अपने वर्क में पूरी 100% डेडिकेशन लाइए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ, धन्यवाद।